इकौना बाईपास पेट्रोल पंप के पास 35 वर्षीय शख्स बेहोशी की हालत में मिला। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। सावसी जनपद के इकौना इलाके के इकौना बाईपास पेट्रोल पंप के पास का मामला, जहां पर पेट्रोल पंप के पास एक 35 वर्षीय शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। ऐसे में लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने उसे लाकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। सावसी जनपद के इकौना इलाके के बाईपास स्थित पेट्रोल पंप के पास अचेत हालत में 35 वर्षीय शख्स मिला, जिसे एम्बुलेंस कर्मियों ने इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां पर उसका दवा उपचार किया जा रहा है। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 35 वर्षीय इस शख्स को भर्ती कराया गया है। वो इस प्रकार से है कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अमृत महोत्सव के क्रम में इस समय गाँव-गाँव में पूरे प्रदेश में अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है। उसी के क्रम में अपने ग्राम पंचायत इकौना देहात के तहसील के जस्ट सामने एक विसर्जन स्थल है, जो कि काफ़ी लगभग 20-30 वर्षों से लोग वहां पे पूजा पाठ करते हैं, विसर्जन करते हैं। जब नवरात्रि का जब शोभा यात्रा निकलती है तो जो कलश पूजा करते हैं वो कलश पूजा वहीं पे विसर्जन करते हैं, जहां पे इस समय देखा जाए तो बहुत झाड़ी झंखाड़ है और वहां पे कुछ लोगों ने अपना जो है अवैध कब्जा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने SDM साहब को एक पत्र दिया है कि इसको जो है अमृत सरोवर के रूप में जो है इसको विस्तार दिया जाए, जिससे वहाँ पे जब कभी भी कलश की स्थापना की जाए या कलश विसर्जन किया जाए तो वहाँ पे किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। विसर्जन करने के लिए बढ़िया सीढ़ी नुमा एक आकार बना दिया जाए, जिससे लोग आराम से वहाँ विसर्जन कर सकें। साथ ही साथ तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, तो जिससे जो है आसपास अच्छा वातावरण रहेगा और लोग देखेंगे अच्छा लगेगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मेरा क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध है और साथ ही साथ अधिकारियों से भी अनुरोध है कि इस समय भीषण गर्मी चल रही है और गर्मी में तालाब अगर खाली नहीं रहेंगे, तालाब में पानी नहीं रहेगा, तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं रहेगा, तो ये आने वाले समय में जो है हमारे जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ चले जाएंगे। ये उसी तालाब पर निर्भर हैं और ये सरकार की संपत्ति है। सरकार की संपत्ति पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और अधिकारियों को भी गंभीर रहना चाहिए कि जो तालाब हैं, पोखरे हैं, इनका सौंदर्यीकरण करें, इनका विस्तार करें और इनको सजो के रखें, जिससे आने वाले समय में ये तालाब पर कोई अवैध कब्जा ना करे। और इस समय आप देख ही रहे हैं कि तालाब पे चाहे जो भी दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति हो अवैध कब्जा करेगा तो तत्काल बुलडोजर लगा कर उस मकान को ध्वस्त करने का प्रयास हमारी सरकार भी कर रही है, हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर के बगवानी गाँव के पास तस्कर के लिए लिए जा रहे पशुओं से भरे ट्रक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। श्रावस्ती जनपद के बहराइच व श्रावस्ती बॉर्डर के बागवानी गांव के पास का मामला, जहां पर संदिग्ध अवस्था में ट्रक दिखाई दिया जिसे लोगों ने पकड़ लिया। अंदर लगभग 2 दर्जन गौवंश मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंशों को बाहर निकलवाया, जिसमें से 2 गौवंश की मौके पर मौत हो गई। श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर के बागवानी के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ा जिसमें प्रतिबंधित गौवंश लदे मिले।